जय हिंद स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और यहाँ पे ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल इजी सा चैप्टर है और सारा फिगर बेस्ड है। अगर हमें फिगर अच्छे से समझ में आएगा तो हमें चैप्टर बिल्कुल ठीक से समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ अभी शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास एक प्लेन दिया होता है और उस हम प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइन के द्वारा चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब जो हमारी एक्स एक्सिस लाइन है उसको, वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई एक्सिस जो लाइन है वो हमारी वर्टिकल लाइन है। जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है और ओरिजिन पे एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है वो दोनों जीरो जीरो होती है। अब देखेंगे इधर एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो और वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो। इट मीन्स इसका मतलब क्या है? एक्स और वाई, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो है और वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो भी जीरो है। इट मीन्स जो एक्स कोऑर्डिनेट वो हमेशा आगे होता है और वाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पीछे होती है। एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम है एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है अवशिषा। हम एक्स वाले कोऑर्डिनेट को अवशिषा भी बोल सकते हैं और वाई जो कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब देखेंगे इधर, ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है ये इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन और इस वर्टिकल लाइन के द्वारा चार पार्ट में डिवाइड होता है जिसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव है, वाई की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। इट मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे, मीन्स प्लस प्लस के होंगे दोनों। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की जो हमारी वैल्यू वो नेगेटिव, मीन्स एक्स हमारा नेगेटिव है और वाई हमारा पॉजिटिव है। इट मीन्स इसमें जो भी पॉइंट लाई करेंगे वो एक्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। तो इट मीन्स सेकेंड जो क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास माइनस और प्लस के साइन आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे हमारे पास एक्स जो क्वाड्रेंट है वो भी नेगेटिव है, वाई जो क्वाड्रेंट है वो भी नेगेटिव है। इट मीन्स दोनों जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएंगी। अब क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई हमारा क्या है? नेगेटिव। तो इसमें हमारी जो वैल्यू होगी वो प्लस और माइनस की वैल्यू आएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया माइनस थ्री एंड फोर, हमारे पास माइनस थ्री और फोर, ये क्लियर बात है कि एक्स हमारा नेगेटिव है और वाई हमारा पॉजिटिव है। जब एक्स हमारा नेगेटिव और वाई हमारा पॉजिटिव तो ये कहाँ पे लाई करेगा? ये पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल माइनस फोर एंड माइनस फोर, हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। जब हमारी दोनों एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव वाई की वैल्यू भी नेगेटिव तो ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, हमारे पास दिया हुआ है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं माइनस फाइव एंड फाइव, फाइव एंड फाइव, जीरो एंड फाइव। अब ये हमने देखा ये हमारे पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, अब देखेंगे एक ग्राफ के द्वारा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इन पॉइंट्स को हम इस ग्राफ के ऊपर डिनोट करके देखते हैं कि हमारे पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं। माइनस फाइव एंड फाइव, इट मीन्स जो एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस फाइव है और वाई की जो वैल्यू है वो फाइव है। अब माइनस फाइव एंड फाइव इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमने x की जो वैल्यू हो वो नेगेटिव, मीन्स इस पॉइंट से हमने 5 यूनिट पीछे जाना है, हम 5 यूनिट पीछे जा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद y की जो वैल्यू है वो हमारी 5 है, इस पॉइंट से 5, ये हमारी, इसको हम हाइट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, मीन्स 5 यूनिट हाइट पे जाएंगे। तो इस माइनस फाइव से 5 यूनिट हाइट पे गए, हमारा पॉइंट यहाँ लाई करेगा माइनस फाइव एंड फाइव। सिमिलरली फाइव एंड फाइव, हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव 5 है, वाई की जो हाइट है वो हमारी वो भी पॉजिटिव 5 है, ये हमारा यहाँ लाई करेगा। उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू है वो हमारी 0, मीन्स ये दोनों कहाँ लाई करेंगी? ओरिजिन पे लाई करेंगी। हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी।
हमने इन सब को ज्वाइन कर दिया। इट मीन्स हमें ये समझ में आया कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो हमें एक पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के बारे में बताती है। हमने इन पॉइंट्स की पोजीशन रिप्रेजेंट की है, अब हमारे पास ये फिगर आ गया। और ये किस टाइप की फिगर बन गई, ये हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप की फिगर बन गई, हमारे पास एक ट्रायंगल हो गई। ए बी सी इज ए ट्रायंगल। तो इट मीन्स हम यहाँ से एक इन पॉइंट्स को ऐसे इस फिगर के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं कि हमें इस फिगर को, जो हमारे पास जो भी फिगर प्राप्त हुआ है, हमने उसको शेडेड करना है। हम उसको शेडेड कर रहे हैं, हमने ये उसको शेडेड कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा इसमें पॉइंट एक और आता है कि क्या हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गई ट्रायंगल एबीसी। तो हमने एरिया, हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमने लगाया हाफ इंटू बेस, बेस ये हमारा पूरा बेस है और ये हमारी क्या है, ये हमारी हाइट है। अब बेस काउंट करेंगे कहां से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये हमारा पूरा बेस है। हमने 5 यूनिट पीछे है और 5 यूनिट आगे है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 5 और 5, कितना हो गया 10। मींस हमारा जो बेस है वो कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया। उसके बाद हाइट, कितनी हाइट थी हमारी, 5 यूनिट हाइट थी, तो हाइट हमारी हो गई 5 यूनिट। अब हम इसका एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस 5 मल्टीप्लाई हाइट, कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ गया 25 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा इसका एरिया निकल गया। उसके बाद ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हमारे पास x की वैल्यू -3 एंड 0 है, y की वैल्यू 5 और 0 है, और 4 की वैल्यू दूसरी जो वैल्यू है वो 0 और 4 है। अब हम इन पॉइंट को यहीं इसी पे प्लॉट करते हैं, देखेंगे कैसे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं जिनकी हेल्प से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर हमें फिगर अच्छे से समझ में आएगा तो हम क्वेश्चन करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, अदरवाइज अगर हमें फिगर समझ में नहीं आया तो हमें क्वेश्चन करने में परेशानी आएगी। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो -3 और वाई की क्या है, 0। एक्स की वैल्यू -3 और y की हमारे पास 0। 0 मींस 0 इस बेस के ऊपर कहीं भी लाई कर सकती है, तो हमारी जो वैल्यू है x की 3 है तो 0 यहीं इसी के ऊपर लाई करेगी। उसके बाद x की वैल्यू 5 है और y 0 है, ये भी यहाँ लाई करेगा। और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमारे पास 4 है, x की वैल्यू 0 है, y 4 यहाँ पे लाई करेगा। हमने इनको सबको ज्वाइन कर दिया, उसी तरह से हमें एक ट्रायंगल प्राप्त हुई, नाम दे सकते हैं हम ए बी सी, और हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास वही है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस देखेंगे 3 यूनिट पीछे गए हुए हैं, 5 यूनिट आगे आए हुए हैं, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो बेस हमारा 8 हो गया। हाइट कितनी हाइट पे हम, 4 यूनिट, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 16 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया निकल गया इस ट्रायंगल का। उसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एग्जांपल क्या है, हमारा एग्जला जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली जिसके कोऑर्डिनेट -2 और 0, दूसरा कोऑर्डिनेट 2 और 0, और जो ट्रायंगल के जो थर्ड जो वर्टेक्स है वो 0 एंड y है। ये हमारी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपने इसमें y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास x की वैल्यू -2 और 0 है, तो -2x की वैल्यू 0 यहीं इसी की बेस के ऊपर लाई करेगा, x की वैल्यू 2 और y की 0 यहाँ लाई करेगा। 0 और y, 0 y हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट कहीं भी लिया जा सकता है, यहाँ हमने ये पॉइंट ले लिया। अब हमने इसको यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दिया, अब हमारे पास एक ट्रायंगल हो गई। अब ये जो है यहां x की जो वैल्यू है इस बेस के ऊपर 0 है पूरी,
वाई इट मीन्स ये जो हाइट है ये इसकी कितनी हो गई, ये हाइट वाई हो गई। अब जब ये हाइट वाई हो गई, ये पूरा बेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो आल जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की आल साइड इक्वल होती है। जब आल साइड इक्वल होंगी तो इट मीन्स ए सी बी सी और ए बी हमारी तीनों साइड इक्वल होंगी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। अब हमारी सभी साइड इक्वल होंगी, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें फाइंड आउट करनी है वाई की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे वो देखेंगे इधर। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारी जो ये लेंथ है ये हमारी लेंथ कितनी हो गई। अब हम टू यूनिट आगे आए हैं और टू यूनिट पीछे की तरफ गए हैं, इट मीन्स दो और दो, तो हमारे पास साइड जो है वो कितनी हो गई हमारी, चार हो गई। इट मीन्स ए सी भी चार होएगी और बी सी भी फोर होएगी, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू फोर यूनिट हो गई है। अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पीछे क्लास में पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल्स टू होता है। तो जब हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये हाइट है हमारी तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये हमारा बेस है और ये हमारी क्या है, हाइट। तो हमारा बेस या ओरिजिन है तो हमने इसको नाम दे दिया ओ। अब ट्रायंगल हो गई ए ओ सी, हमने लिखा यहाँ इन ट्रायंगल ए ओ सी। ए ओ सी में क्या हो गया, ए सी 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, तो ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब ए सी हमारे पास कितनी यूनिट है, ए सी हमारे पास फोर यूनिट है, हमने फोर का स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू ए ओ, ए ओ हमारे पास कितना दिया हुआ है, टू यूनिट, तो हमने टू का स्क्वायर कर दिया प्लस ओ सी, ओ सी हमारे पास कितनी है, वाई यूनिट है, हमने फोर का स्क्वायर कर दिया 16 और टू का स्क्वायर कर दिया 4 प्लस कितना हो गया हमारे पास, वाई स्क्वायर। हमने इस 4 को उधर लेके गए 12 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ 12, हम स्क्वायर रूट करेंगे 12 का, तो 12 का स्क्वायर रूट हम फैक्टर कर दिए 4 मल्टीप्लाई 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 रूट 3 आ गया। अब इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, अगर हमारी ट्रिग्नोमेट्री में कोई समस्या नहीं है, हमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ठीक से आता है तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हमें पता है कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होती है उसके जो सभी एंगल्स होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी में हमारा जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, एंगल हमारा 60 डिग्री का है, एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमने फार्मूला यहाँ लगा दिया कि एंगल के जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हमारा ए ओ, परपेंडिकुलर हमारा ओ सी और हाइपोटेन्यूस हमारा ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हमने फार्मूला लगा दिया साइन 60 डिग्री। अब ये तो हमारी है वाई और ए सी हमारी 4 इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने रख दी √3/2 क्रॉस 2y इक्वल्स टू 4√3 एंड y इक्वल्स टू 2 से इधर कैंसिल कर देंगे तो 2√3। मीन्स हम इन प्रॉब्लम्स को दो तरीके से और ज़्यादा तरीके से भी किया जा सकता है, पहला है हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग और दूसरा हम ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, बट हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब इस चैप्टर से आप जितने भी एग्जाम्पल्स करेंगे सभी ऐसे ही होंगे, सभी को पॉइंट्स जो पॉइंट्स दिए होंगे उनको यहाँ फिगर में आपने प्लॉट करना है और इस तरह से आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।